गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज का जो पार्ट टू है चैप्टर नंबर 8 का, इसके पहले हमने पार्ट वन किया था थर्सडे के दिन, और हमने ब्राज़ील के माइनिंग और एग्रीकल्चर के बारे में देखा था, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं शो कर रहा हूँ। हमने यहाँ तक यहाँ पे डिस्कस किया था एग्रीकल्चर कैसा होता है ब्राज़ील में, माइनिंग कैसी होती है, एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, फिशिंग के बारे में भी देखा था हमने। अब हम यहाँ पे आज देखेंगे इंडिया के अंदर जो फिशिंग होती है, माइनिंग होती है, उस चीज़ को देखेंगे, बराबर है? सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अनलाइक ब्राज़ील, इंडिया एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स जीडीपी। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ऑल्सो एंगेज ए लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन। अराउंड 60% ऑफ लैंड इन इंडिया इज़ अंडर कल्टिवेशन। यस, 60% आज भी इंडिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है जिस जगह पे हम रहते हैं, मतलब 40% जो बचा कुचा है वो बाकी चीज़ों के लिए, 60% आज भी एग्रीकल्चर के लिए ही है। इट्स एनॉर्मस एक्सपांस ऑफ लेवल प्लेन्स, रिच सॉइल्स, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, वाइल्ड क्लाइमेटिक वेराइटी, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एक्सेट्रा प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया इज एग्रीकल्चर हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी। वैसे देखा जाए तो इंडिया की जो ये सबसे बड़ी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर ही है। आज भी हम लोग देखिए ना, बहुत से कामों के पीछे बोलते हैं कि सर्विस है, इंडस्ट्री है, फाइन हम टर्शरी सेक्टर के पीछे हैं, बट आपको बताना चाहूँगा कि आज भी इंडिया की जो मेन इनकम है वो एग्रीकल्चर से ही आती है। आज भी इंडिया का सबसे बड़ा मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है, और आज भी सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं इंडिया के अंदर वो एग्रीकल्चर का ही करते हैं, फार्मर लोग ही करते हैं, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ मेनली सब्सिस्टेंस टाइप। इंडिया प्रोड्यूस राइस, वीट, मेज, सॉर्गम एंड मिलेट्स एज अ मेजर फूड क्रॉप। ये हमारा मेन बेसिक फूड क्रॉप है, दाल चावल जो हमारे लिए है, और गेहूँ, मेज़ आता है, सॉर्गम भी आता है। प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर, कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, गन्ना, कॉटन, जूट, जूट पता ही आपको, गोनी होती है ना जो, और ऑल्सो प्रोड्यूस। इंडिया इज़ अ ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, मेजर प्रोड्यूसर है वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। फाइन, टी कॉफ़ी वैसे तो बाहर ज़्यादा होती है, बट इंडिया के अंदर भी होती है जो कि साउथ की तरफ होती है। जूट, इंडिया जूट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम बनाते हैं, कॉटन भी अच्छा खासा बना लेते हैं। शुगर केन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है जैसे कि हम जानते ही हैं। रबर, रबर आप जानते हो जिसे टायर वगैरह बनते हैं, ये भी हमारे इंडिया में होता है साउथ की तरफ, दैट इज़ चेन्नई में होता है। एक नाम आपने सुना होगा MRF, दैट इज़ मद्रास रबर फैक्ट्री, है ना। देन उसके बाद बात आती है फिशिंग की। अब फिशिंग में इंडिया कैसा है, फिशिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी ऑफ एन इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, बोथ मरीन एंड इनलैंड। मतलब हम डीप सी फिशिंग भी करते हैं और इनलैंड फिशिंग भी करते हैं जो नज़दीक में होती है। फिशरीज हेल्प इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। यस, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में बड़ा काम होती है, न्यूट्रिशनल भी मिल जाता है फिशेस से। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो इसको खाएंगे। फिश फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र। इंडिया हैज़ अबाउट 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब क्या, इंडिया को टच करके जो समंदर है, कहाँ से, लगभग गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से होते हुए साउथ की तरफ जाता है ये, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, फिर वहाँ से वेस्ट बंगाल तक। तो एरिया कितना हो गया, वो 7,500 किलोमीटर का हुआ। मरीन फिशिंग अकाउंटिंग ऑफ फॉर अबाउट 40% ऑफ टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड बींग कन्फाइंड टू कोस्टल वाटर इन द वेस्ट फ्रॉम कच्छ, मलाबार कोस्ट टू कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट। मेजर फिशेज आर सार्डिन्स, ये फिशेज की वेराइटी हैं, सार्डिन्स, मैकरल, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट द इम्पॉर्टेंट फिशेज आर हॉर्स मैकरल्स, क्लूपेड्स एंड सिल्वर बेली। देन
वी हैव दिस माइनिंग इन इंडिया. माइनिंग कहाँ कहाँ पे माइनिंग होती है सबसे ज़्यादा? माइनिंग तो सबको पता ही है, इंडिया में बहुत कुछ मिलता है, बट फिर भी देख लेते हैं माइनिंग का क्या कंसेप्ट है. द छोटा नागपुर प्लेटो इन इंडिया इज बींग अ बिग स्टोर हाउस फॉर डिफरेंट मिनरल्स. माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर. कोल इज माइंड इन कोरबा इन छत्तीसगढ़. ये जगह का नाम है कोल. कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है छत्तीसगढ़ में. मिनरल ऑयल वेल्स आर फाउंड इन दिग्बो इन आसाम. मुंबई हाई इन अरेबियन सी इन महाराष्ट्र. कलोल एंड कोयाली इन गुजरात. रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर गोदावरी. स्टोन्स लाइक मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान एंड कड़प्पा इन आंध्र प्रदेश. ये कुछ बहुत ही काम के पत्थर होते हैं जो बड़े बड़े घरों में लगते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को बनाने में लगते हैं. ये हमें यहाँ पे मिलते हैं. ओके दिस वन. इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील. अब ब्राज़ील की इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं? अब ये तो हो गई बात फिशिंग और माइनिंग की और एग्रीकल्चर की, अब थोड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं. अब ब्राज़ील में आ जाते हैं वापस. मेजर इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल असेंबली, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोडक्शन एंड सीमेंट मेकिंग. टेक्नोलॉजिकली बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैव बीन मोस्ट डायनामिक इन द रिसेंट ईयर. मतलब ऐसा है कि आज के टाइम पे यही इंडस्ट्रियाँ बहुत चलती हैं. बट हैव नॉट आउटपेस्ड ट्रेडिशन इंडस्ट्री. सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड वेल. मोस्ट ऑफ लार्ज इंडस्ट्री आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द साउथ एंड द ईस्ट. द नॉर्थ ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील. मतलब ये हिस्सा ब्राज़ील का सबसे गरीब हिस्सा है. बट इट इज़ बिगिनिंग टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट. फाइन, नए नए इन्वेस्टमेंट को ये आगे बढ़ा रहा है धीरे धीरे. यहाँ पे कुछ आपको नाम दिख रहे हैं. ONGC इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यहाँ पे स्टील बनता है. आरे दूध के लिए है, ये ट्रेन के लिए है, इंजन बनते हैं. केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए है, सिल्क के लिए है, ग्रामीण खाद के लिए है, और ये एग्रो डेवलपमेंट के लिए है. ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो हैं आज ये अपने इंडिया में है जहाँ पे सब काम होता है. देन वी हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इज हाईली अनइवन. दैट इज सो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड पावर रिसोर्सेज एंड पार्टली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर नेसेसरी कंडीशन इन लार्ज टाउन. इंडिया के अंदर ये जो इंडस्ट्रियाँ हैं ना, ये बहुत ही बड़े लेवल पे और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है इसने. और ये जो सब है गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी बनाता है कि बहुत ज़रूरी है. तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. झारखंड, ओडिशा एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ द मेटालिक मिनरल. इन जगहों पर मेटालिक मिनरल बहुत मिलते हैं जिनमें मेटल की धातु ऐड होती है. This area, therefore, particularly the northeastern part of the peninsula, has a very high concentration of heavy metallurgical industries, with almost all the steel centers situated here. Availability of large quantities of coal and refractory materials, along with cheap power from the Damodar Valley Corporation, है ना? And the number of thermal power project भी हमारे पास काफी हैं, have added to the advantages. राजस्थान है कॉपर, लीड एंड जिंक यहाँ पे मिलता है राजस्थान में. कर्नाटका है स्टील, मैंगनीज एंड एल्युमिनियम. एंड तमिलनाडु हैज़ एल्युमिनियम मेटल इंडस्ट्री. एग्रोबेस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग कॉटन, जीओट एंड शुगर आर हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया. द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पेपर, प्लाईवुड, मैचेस, रेसिन्स एंड लैक आर इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ वेरियस स्टेट्स. मतलब कम है. द कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला हैज़ अ हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोयर. कोयर पता है सबको, सुतली जिसको कहते हैं हम, मंडप वगैरह बांधने में काम आती है. कोपरा, दैट कोकोनट एंड दिस कोपरा मतलब कैसा होता है, ये जो सूखा कोपरा होता है. एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्री, फिश को संभालना. कोयाली, दिग्बोई, नूनमती एंड बोनाई गांव रिफाइनरीज
आर सिटुएटेड, रिफाइनरीज आर सिटुएटेड टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड द मथुरा एंड बरौनी रिफाइनरीज इन द इंटीरियर अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज ऑल्सो हाईली कंडीशन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. फाइन, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज है हमारे इंडिया के, जहाँ पे दो नाम दिए हुए, ऑयल रिफाइनरी सबसे बड़ी यहाँ पे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सीमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यहीं से किया जाता है. गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु प्रोड्यूस द बल्क ऑफ सॉल्ट इन द कंट्री. सबसे ज़्यादा सॉल्ट अगर बनता है तो यहाँ बनता है. एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्री विच शो लिटिल ब्यास फॉर रॉ मटेरियल है कम अप ऑल ओवर द कंट्री विथ हैवियर कॉन्सेंट्रेशन नियर द बिग सिटीज. ये देखो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको पता चलेगा ट्रेड क्या होता है. व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, टेल द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे. डेटा में क्या है, इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहाँ हुआ है. देखा जाए तो ब्राज़ील हमसे आगे प्रैक्टिकली. फाइन, इंडिया देखो यहाँ पे 2009 में हम उनसे आगे थे, बट 2012-13 का डेटा है ये. यहाँ पे ब्राज़ील थोड़ा हमसे थोड़ा सा आगे चला गया और इंडिया यहाँ पे पीछे रह गया. एंड इंडिया टेक्स मोर अबाउट 25% ऑफ GDP बिलो द कंपेरेटिव इंडिया. देन ब्राज़ील मेनली एक्सपोर्ट आयरन और कॉफ़ी, कोको, कॉटन, शुगर, टोबैको, ऑरेंजेस एंड बनाना. वाइल इट इम्पोर्ट मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर, वीट, हैवी व्हीकल, मिनरल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स. मेजर ट्रेडिंग पार्टनर आर जर्मनी, USA, कैनेडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया. ये डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे. डेटा क्या बता रहे हैं, इस वन ये इंडिया का जो ट्रेड है यहाँ से यहाँ के जा रहा है, और ये ब्राज़ील का थोड़ा कम है, बट फिर भी उनकी कॉन्स्टेंसी यहाँ पे दिख रही है. देन इंडिया मेनली एक्सपोर्ट टी, मैंगोस, कॉफ़ी, स्पाइसेस, लेदर एंड लेदर गुड्स, आयरन ओर, कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल. वाइल इट मेनली इम्पोर्ट पेट्रोलियम, मशीन्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा. ये सब हम चीज़ें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं. एंड इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन, USA, UK, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया. उसके बाद नीचे दिया है यहाँ पे ब्रिक्स करके, ये नया सा ग्रुप बनाया गया है. ग्रुप में क्या बताया कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके झंडे भी दिए हुए इसके अंदर, और इनका नाम भी, इनका फुल फॉर्म ही है अपने आप में. देन लास्ट वन इज इंडियाज, इंडियन कंपनी सेट अप इंडस्ट्रियल सेंटर ऑल ओवर ब्राज़ील एंड इन्वेस्टेड लॉट ऑफ कैपिटल. द इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन सच सेक्टर एट IT, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, माइनिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स. ब्राज़ील्स फुटप्रिंट इन इंडिया इज स्मॉलर बट इम्पॉर्टेंट. द ब्राज़ीलियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल, IT, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल्स, फुटवेयर सेक्टर इन इंडिया. ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये सेक्टर थोड़ा ऐड हुआ है. वैसे यहाँ पे देखो DNO में कुछ बताया, ब्राज़ील पिछले 150 सालों से सबसे बड़ा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है. द प्लांट बिलोंग्स ओरिजिनली टू इथोपिया. इट वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू ब्राज़ील बाय सम फ्रेंच सेटलर्स इन द स्टेट ऑफ पारा इन द 18th century. कॉफ़ी फार्म्स आर कॉल्ड एज अ फेजांडास ओवर देयर. एंड इवन तो GST जो इंडिया में लागू होता है वो सेम टू सेम ब्राज़ील में भी लागू होता है. जैसे इंडिया में होता चार्ज, वैसे उन लोगों ने पहले ही शुरू कर चुका था. अब नौ स्टूडेंट्स, आप ये चैप्टर यहाँ पे वैसे कंप्लीट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट तो है नहीं. जो दिया है वही हमें रीड करना होता है. इसमें करना है कि इसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपको फाइंड करने होते हैं. फिर इन द ब्लैंक्स मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है डेटा तो बना के दिया हुआ है, ये आपको करना होता है. राइट, जो जो क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए, मिडल में दिए हुए हैं, इस टाइप ऑफ ट्रेड्स. फाइन, सो विद दिस ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है, जो कि ज़्यादा डीप नहीं था. इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, जो कि इकोनॉमिकली रिलेटेड था. ओके, तो आप इसको अच्छे से एक बार रीड करना, और डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हो. इसके अंदर ही पूरे आंसर हैं. एंड एज ऑफ नाउ तो फिलहाल टेक्स्ट बुक ही प्रोवाइडेड है. कुछ आंसर ऐसे हैं जो गाइड में दिए हुए हैं, ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे. सो वो आपको नवनीत की डाइस से मिलेगा, डजेंट मैटर. बट आपको ये एटलीस्ट ये चैप्टर आप रीड करने बैठोगे तो आपको काफ़ी कुछ ओरली याद हो जाएगा,
कि ब्राज़ील कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया की आबादी ज़्यादा है, ब्राज़ील की काफ़ी कम है, बट स्टिल ब्राज़ील हमसे अच्छा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है और हम उनके मुकाबले काफ़ी कम है। ओके सो एक बार अच्छे से ध्यान देना इस पर। टेक केयर।